दुनिया को बदलने में अक्सर दशक या सदियां लग जाती हैं, लेकिन कोरोना वायरस ने चंद ही दिनों में पूरी दुनिया को बदल दिया। सोशल डिस्टेंसिंग के चलते हाथ भले नहीं मिल रहे हों, गले भी नहीं मिल रहे हों, लेकिन हिंदुस्तान के नमस्ते पर पूरी दुनिया के दिल जरूर मिल रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते दुनिया के सभी बड़े लीडर्स नमस्ते करने की सलाह दे रहे हैं। इस वक्त वैश्विक स्तर पर बचाव को मद्देनजर रखते हुए कई देश लॉकडाउन हो गए हैं, जैसे इटली, स्पेन, फ्रांस। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत सरकार भी अपनी तरफ से सभी मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन इस लड़ाई में क्या हम अपना योगदान दे रहे हैं, एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभा रहे हैं? एंड ट्रस्ट मी गाइस, कोरोना की लड़ाई में हमारा हिस्सा गवर्नमेंट या फिर मेडिकल स्टाफ के हिस्से के आगे कुछ भी नहीं है। हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस है? कोरोना वायरस को लेकर सचेत रहें, अफवाहों पे विश्वास ना करें। पूरे इंडिया में मास गैदरिंग पे बैन है, तो भीड़ भाड़ वाले जगहों पे ना जाएं। अगर किसी में कोरोना के सिम्टम्स दिखें तो हेल्पलाइन नंबर पे तुरंत कॉन्टैक्ट करके जानकारी दें और इलाज के वक्त मेडिकल स्टाफ का सहयोग दें। हम सब इतना तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर कर ही सकते हैं और करना भी चाहिए। इस वीडियो में मैं आंकड़ों की बात नहीं करूंगी, बल्कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पे बात करना जरूरी है। कुछ लोग जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, वो इलाज से भाग क्यों रहे हैं? कोरोना का टेस्ट क्यों नहीं करवाना चाहते? क्या उन्हें पता नहीं है कि जो भी उनके कॉन्टैक्ट में आएगा वो भी कोरोना से पीड़ित हो जाएगा, उनके परिवार वाले भी संदिग्ध हो जाएंगे और बच नहीं पाएंगे? दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगी आपकी कि आप कैसे कोरोना वायरस को रोकने में योगदान दे सकते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहें। और हाँ, एक छोटा सा योगदान आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी दे सकते हैं, ताकि आप इस रहस्यमय वायरस से जुड़ी सभी खबरों से वाकिफ रहें और दूसरों को भी अवेयर कर सके। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना से लोग इतने डरे हुए क्यों हैं। जितनी बीमारी खतरनाक होती है, उतना ही खतरनाक होता है उस बीमारी के बारे में अधूरा ज्ञान और डर। यही डर की वजह से या तो लोग कोरोना वायरस के लक्षण छुपा रहे हैं, या फिर लक्षणों के होते हुए भी जांच नहीं करवाते, और इसी वजह से संक्रमण को आगे फैलते देर भी नहीं लगती। आजकल बहुत सारे स्टेट्स में ये भी देखा गया कि अगर कोई संक्रमित हो जाए, उसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, तो लोग भागने में भी देरी नहीं करते। 11 संदिग्ध कोरोना वायरस पेशेंट नवी मुंबई के हॉस्पिटल से भाग गए। बिहार में कोरोना वायरस का एक पेशेंट मेडिकल चेकअप से भाग गया। गूगल के एक एम्प्लॉय की वाइफ जो पॉजिटिव पाई गई थी, क्वारंटाइन से भाग गई। पहले फ्लाइट लेकर बेंगलोर से दिल्ली ट्रैवल किया और फिर ट्रेन से दिल्ली से आगरा। उस एक महिला ने कितने लोगों को कोरोना के खतरे में डाला, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। प्लीज, जांच और इलाज की पूरी प्रक्रिया से आप डरिए मत, बहुत सामान्य प्रक्रिया है। डॉक्टर, नर्सेस सब देखभाल करते हैं। हाँ, इतना जरूर है दोस्तों और परिवार वालों से कुछ समय के लिए अलग रहना पड़ता है, लेकिन ये सबकी हिफाजत के लिए है, जिसमें आपका परिवार भी आता है। अब बात करते हैं कि क्वारंटाइन कैसे कोरोना से बचाव करता है। क्या कोरोना के लक्षणों को नजरअंदाज करना सही है, या फिर बस ऐसे सोच लेना कि मुझे नहीं होगा, मेरी तो इम्यूनिटी स्ट्रांग है, सोचने से काम चल जाएगा? क्वारंटीन, आइसोलेशन, स्क्रीनिंग, ये शब्द सुनने में भारी भरकम लग सकते हैं, पर इस प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। क्वारंटाइन या आइसोलेशन उस बीमारी के फैलने की गति को धीमे कर देता है। बाहर कम जाएंगे तो आप इन्फेक्ट भी नहीं होंगे, और यदि बाय चांस जाने अनजाने में आप में ये वायरस है, तो बाकी लोग भी इन्फेक्ट नहीं हो पाएंगे। स्क्रीनिंग से कोरोना वायरस के इनिशियल सिस्टम्स जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। चाइना इसका लाइव एग्जांपल है। वहां लोगों को क्वारंटाइन करना बहुत कारगर साबित हुआ। हर गाड़ी वाले, बल्कि लोगों के घरों में घुस घुस के स्क्रीनिंग की जा रही थी। तो हम क्यों इससे घबरा रहे हैं, अपना सहयोग नहीं दे रहे हैं? जरा सोचिए। अब बात करते हैं कि लोग क्वारंटाइन से क्यों भाग रहे हैं। लोगों का सरकारी स्वास्थ्य विभाग में भरोसा ना होना आश्चर्यजनक नहीं है। इंडिया हैज वीक हेल्थ सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड। भारत पब्लिक हेल्थ पर अपनी जीडीपी का सिर्फ 1.28% खर्च करता है। WHO की यही चिंता है कि अगर भारत में ये वायरस फैला तो बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमारी आबादी बड़ी है, अवेयरनेस की कमी है और स्वास्थ्य सुरक्षा का ढांचा उतना मजबूत नहीं है। पर इस समय हमें समझना होगा कि ऐसे मुश्किल वक्त पर कमियां निकालना नहीं, बल्कि आगे आके अपना सहयोग देना जरूरी है। हमें ये रियलाइजेशन होनी भी जरूरी है कि इस वक्त मेडिकल स्टाफ हमारा कितना ओवरलोडेड है। तो अगर लोग इस तरह क्वारंटाइन से भागेंगे और बाकी और लोगों को संक्रमित करेंगे, तो हम कोरोना से अपनी जंग कैसे जीतेंगे? मैं समझती हूँ आसान नहीं है 14 दिन अलग थलग बिना बेहतर सुविधाओं के रहना, पर कोई और विकल्प भी नहीं है सरकार के पास।
एवरीवन प्लीज कोऑपरेट। अब बात करते हैं कि क्या क्वारंटाइन से भागना अपराध है। एक इन्फेक्टेड पेशेंट के क्वारंटाइन से भागने के परिणाम बाकी लोगों के लिए घातक हो सकते हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि ये वायरस चाइना के एक इंसान से फैलना शुरू हुआ और अब 160 देशों में 1.5 लाख से ज्यादा कंफर्म्ड केसेस हैं। जी हाँ, भागना तो अपराध है ही। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी जी ने क्वारंटाइन फैसिलिटी के साथ कोऑपरेट ना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए एक मजबूत उदाहरण सेट किया है, जिसमें उस व्यक्ति को इंडियन पिनल कोड 1860 के सेक्शन 188 के तहत 6 महीने तक की जेल और ₹1000 तक का फाइन लग सकता है। क्या इस तरह के कदम फर्क लाएंगे? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, 90% आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक और कमेंट भी करते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कर लीजिए ना प्लीज, आपका एक सब्सक्राइब मुझे हौसला देता है और अच्छा काम करने का। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।